अगर मैं आप लोगों में से किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हूँ तो प्लीज आप सेट मत होना, गुस्सा मत होना, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ तो यू नो आंसर करने में थोड़ा टाइम लगता है। दीपा गुप्ता ने मुझे पूछा है कि मैम मेरे हेयर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँ। तो अगर आप यू नो वेजिटेरियन हो तो आप कलौंजी, मेथी, कड़ी पत्ता और इस तरीके के बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप यू नो नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग मास्क लगाइए, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है तो जल्दी से आपके बालों में यू नो वॉल्यूम भी दिखाई देगा और धीरे धीरे के बाल नए आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ वन्ना, कैसे हो आप सब, केम छो तमे? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा में होगे। तो गाइस आप लोग आज सोच रहे होंगे, मुझे पक्का पता है कि डेली वीडियोस तो दीदी ना सोफे के साइड में बैठ के बनाती है, आज तो सोफे के यू नो ऊपर बैठ के बना रही है। तो बताओ ना, तो लास्ट यू नो 5 to 6 days से मुझे नी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर ये पहन के भी रखा है, आप देख सकते हो दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि यू नो नीचे बैठ के नहीं बनाते, सोफे के ऊपर ही बैठ के अच्छे से कम्फर्टेबल तरीके से वीडियो बनाते। तो वैसे तो ये ना 4 to 5 days पहनोगे ना तो सब कुछ अच्छा ठीक हो जाएगा। तो गाइस आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारे कमेंट आती है कि दीदी क्या हमें मॉनसून सीज़न में क्रीम अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मॉनसून सीज़न में चेहरा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, चिपचिप वाला हो जाता है इन शॉर्ट, एंड बहुत ज़्यादा स्टिकी फील करने लगता है। तो मॉनसून में कौन कौन सी यू नो टिप्स हम फॉलो करें? देखिए कोई भी सीज़न हो ना, आपको टोनर, क्रीम, मॉइस्चराइज़र, फेस मास्क, ये बेसिक वाले स्किन के रूटीन, स्किन के जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपको अप्लाई करने ही चाहिए, क्योंकि सीज़न के हिसाब से आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी चेंज हो रही होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिप वाली हो रही है तो आप फेस क्रीम अप्लाई करना या तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना छोड़ दो, क्योंकि सीज़न वैसी है तो वैसी ही क्रीम आपको लगानी चाहिए। अभी देखो मॉनसून सीज़न चल रही है, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण हमारा जो चेहरा होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑयली, ग्रीसी एंड चिपचिपा फील करने लगता है, तो डस्ट एंड इम्प्योरिटीज़ फटाक से चिपक जाती है, तो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स एंड खास करके पिंपल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हो सके तो आप ना फेस वॉश, टोनर, बेसिक वाले जो स्किन केयर के टिप्स है ना, और जो स्टेप्स है ना वो ज़रूर आप फॉलो कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने मेरे बालों को अच्छे से बांध लिया है ताकि फेस वॉश एंड पूरा स्किन केयर रूटीन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले इसमें नॉर्मल पानी भरा हुआ है, हल्का सा फेस को मैं गीला कर लूँगी। एंड यहाँ पर हम जो फेस वॉश यूज़ करेंगे ये है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस वॉश। अभी आप सबको पता है कि मॉनसून सीजन चल रही है तो चारकोल डीपली आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में, क्लीन करने में मदद करता है। इवन मॉनसून में जो ग्रीसी स्किन हो जाती है, ऑयली वाली स्किन हो जाती है, पोर्स को डीपली साफ करने में मदद करता है और काफ़ी हद तक ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को दूर करता है। तो आप ये वाला जो गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश है वो भी यूज़ कर सकते हो, एंड ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है, बजट में भी आता है, तो बस हल्के से आप मसाज कीजिए। सेकेंड, यहाँ पर मैं मेरे डैम्प यानी हल्के से गीले फेस के ऊपर यूज़ करूँगी फेस मास्क, जो कि है गुड वाइब्स का रोज हिप स्किन ग्लो फेस मास्क। मॉनसून में ऑफकोर्स हमारी स्किन में नमी नहीं होती है, स्किन चिपचिपी होती है, तो ग्लो का तो नाम दूर दूर तक दिखता ही नहीं है। तो आपके चेहरे को ग्लोइंग करने के लिए, इवन पोर्स को डीपली साफ करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करने के लिए ये रोज हिप ग्लो फेस मास्क बहुत ही हेल्प करता है। इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो बहुत ही बटरी स्मूथ कंसिस्टेंसी है जो ईजिली हमारे चेहरे के ऊपर ग्लाइड हो जाती है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई, पर्पल के ऊपर पर्पल ब्यूटी कार्निवल सेल आज से स्टार्ट हो गई है, जो कि 27th तक चलेगी और अप टू 50% ऑफ प्लस गेट अ चांस टू विन एन आईफोन यूजिंग कूपन कोड iPhone 12। वाओ के ऊपर फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा और गुड वाइब्स के ऊपर स्टेकवीर की आर्ट्स गुडनेस, NYB के ऊपर फ्लैट 30% ऑफ, मेबिलिन के ऊपर अप टू 40% ऑफ, बहुत सारी आपको डील्स मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करना। तो फेस मास्क अप्लाई कर लिया है, इसको मैं 8 to 10 minutes के लिए रखूँगी, उसके बाद नॉर्मल पानी से मैं धो लूँगी मेरे चेहरे को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि सिंपल वाटर से मैंने यहाँ पर चेहरा धो लिया था जब ये फेस मास्क अच्छी तरीके से सूख गया था। बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट आपको आपकी स्किन फील होने लगेगी, रिफ्रेश लगेगी। लास्ट में टोनर अप्लाई करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऑफकोर्स फेस मास्क के बाद हाइड्रेशन हमारी स्किन को ज़रूरत होती है। आल्स गुडनेस का एलोवेरा हाइलोरोनिक एसिड टोनर, यहाँ पर हाइड्रेटिंग टोनर यूज़ कर रही हूँ।
ऑल ओवर चेहरे के ऊपर अच्छी क्वांटिटी में लगा लीजिए एंड हल्का सा जस्ट आपको यू नो डैब मोशन फॉलो करनी है ताकि क्विकली आपकी स्किन के अंदर ये पेनेट्रेट हो जाए। टोनर आप देख सकते हो कम्प्लीटली स्किन के अंदर चला गया, जस्ट हल्का सा गीला मेरा चेहरा है, तब यहाँ पर मैं क्रीम अप्लाई करूंगी गुड वाइब्स की रिवाइटलाइजिंग ग्रीन टी क्रीम। जस्ट कलर देखिए गाइज आप इसका कितना सूदिंग एंड बहुत ही प्यारा सटल सा कलर है। मुझे इस तरीके के जो पेस्टल कलर है ना वो बहुत ही पसंद है, और खास करके ग्रीन टी आपको पता है कि हमारी स्किन को हाइड्रेट तो करती है, स्पॉट को दूर करती है, एजिंग के मार्क्स को दूर करती है, डैमेज स्किन को रिपेयर करती है। खास करके ग्रीन टी जो होती है ना गाइस वो स्किन में नमी लाने के लिए स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से नरिश करती है। तो ये है गाइस मेरा फाइनल स्किन केयर रूटीन का यू नो रिजल्ट आप बोल सकते हो। आई होप कि आज का मेरा छोटू सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है तो ये जस्ट फॉर्मेट में आपको यूज़ करनी है, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि मैंने जो यूज़ किया वही आपको करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हो। बाय गाइस, सी यू एंड आई लव यू ऑल सो मच।